नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर आज फिर से आपके अपने खुद के स्पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ये एग्जाम क्लियर कर लें, तो हमारा ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि 100% अगर आप सुपर टेट देने जा रहे हैं तो भी, अगर आप सीटीईटी देने जा रहे हैं तो भी, ये वीडियो और इसके कंटेंट से आने वाले कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपकी जरूर एग्जाम में हेल्प करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं सीटीईटी, जी हाँ आप जानते हैं सीटीईटी के एग्जाम में आजकल दोस्तों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है पैडागॉजी होती है। पैडागॉजी की जो होती है शिक्षण शास्त्र होता है और उसी से मिलता जुलता कंटेंट जो सुपर टेट में यूज होता है वो शिक्षण होता है, टीचिंग होता है। आपने देखा होगा सुपर टेट में एक टॉपिक है शिक्षण कौशल, जी हाँ सुपर टेट में एक टॉपिक क्या है शिक्षण कौशल है, और जो आपका सीटीईटी में टॉपिक है पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र है। तो मैं दोनों को एक साथ जोड़कर आज आपको बताता हूं कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे यहां हम बात करते हैं शिक्षण की। देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया होती है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया आपका हिंदी में एक शब्द है शिक्षा शब्द है, जी हाँ शिक्षा शब्द से बना। शिक्षा जो शब्द है दोस्तों, ये शिक्षा शब्द आपका बना है शिक्षा धातु से बना। अगर हम अंडर रूट का निशान लगा देते हैं तो शिक्षा धातु हो जाती है। सामान्य रूप से इसका अर्थ जो होता है वो सीखना होता है, लेकिन हमारे यहां क्योंकि हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एफर्ट्स की, तो साइकोलॉजिकल एफर्ट्स में सीखने के साथ साथ ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया आपके सिखाने की भी प्रक्रिया होती है। तो सीखने की प्रक्रिया हो वो भी शिक्षण है, सिखाने की प्रक्रिया हो वो भी शिक्षण है। सीखना और सिखाना दोनों ही शिक्षण की प्रक्रिया होती है। सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया में जब कभी भी आपसे पूछा जाए शिक्षण क्या है, शिक्षण क्यों है, शिक्षण क्या किया जाता है, आवश्यकता क्या है, कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उसके लिए दोस्तों आप एक फार्मूला बताते हैं KB2 का। KB2 को हम लिखते हैं KBB लिखते हैं। K को मैंने लिखा क्या, नॉलेज, जी हाँ K को मैंने लिखा क्या, नॉलेज। B को मैंने लिखा क्या, बिहेवियर, जी हाँ B को मैंने लिखा क्या, बिहेवियर। और B को मैंने लिखा क्या, बिलीव, जी हाँ बिलीव। अब नॉलेज, बिहेवियर और बिलीव, इन सब को मैंने एक कॉमन फैक्टर से जोड़ दिया, जी हाँ इन सब को मैंने एक कॉमन फैक्टर से जोड़ दिया, चेंज इन। देखिए, चेंज इन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीव। ज्ञान में परिवर्तन ही शिक्षण है, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षण है, विश्वास में परिवर्तन ही शिक्षण है। और इसी शिक्षण से सीटीईटी में जो आपका टॉपिक बन गया है दोस्तों पैडागॉजी, पैडागॉजी की हिंदी होती है आपकी शिक्षण शास्त्र, मतलब इसी शिक्षण से शिक्षण शास्त्र बन गया। आपने देखा होगा अगर आप हिंदी का पेपर देने जाते हैं सीटीईटी में तो 15 क्वेश्चन आपको पैडागॉजी के मिलते हैं, अगर आप गणित का पेपर देने जाते हैं सीटीईटी में तो 15 क्वेश्चन आपको पैडागॉजी के मिलते हैं, अगर आप संस्कृत का पेपर देने जाते हैं तो 15 क्वेश्चन आपको पैडागॉजी के मिलते हैं, अगर आप पर्यावरण का पेपर देने जाते हैं तो 15 क्वेश्चन जो मिलते हैं वो आपको पैडागॉजी के मिलते हैं। तो दोस्तों ये 15 15 15 के कुल 60 क्वेश्चन आपके पैडागॉजी के, प्लस 3 जो आपके साइकोलॉजी वाले थे, कुल 90 क्वेश्चन सीटीईटी में पूछे जाते हैं। और जो टीचिंग है, इस टीचिंग से आपका अगर सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सुपर टेट में एक टॉपिक है शिक्षण कौशल, जी हाँ वो आपका 10 नंबर का होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शिक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपका टेट और सी टेट, सुपर टेट सब में पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, जब हम शिक्षण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा ये गोला बनता है शिक्षण का, जी हाँ सबसे पहला हमारा गोला जो बनेगा वो बनेगा किसका, शिक्षण का। तो ये शिक्षण की प्रक्रिया होगी। अब शिक्षण की प्रक्रिया का अर्थ अभी मैंने बताया कि जब हम बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर देते हैं, तो बच्चे के व्यवहार में वांछित रूप से किया जाने वाला जो परिवर्तन होता है दोस्तों, जी हाँ बच्चे के व्यवहार में वांछित रूप से किया जाने वाला परिवर्तन ही शिक्षण की प्रक्रिया होती है। अब इस शिक्षण की प्रक्रिया में दूसरा गोला जो आता है, इस शिक्षण की प्रक्रिया में दूसरा गोला आता है तकनीकी का, जी हाँ शिक्षण की प्रक्रिया में दूसरा गोला जो आता है वो तकनीकी का आता है। तकनीकी क्या, तो जब कभी भी शैक्षणिक प्रक्रिया में हम विभिन्न प्रकार के विज्ञान का, विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का, विभिन्न प्रकार की तकनीकी का सहारा लेते हैं,
तो उसके माध्यम से छात्र की शिक्षण समस्या का ध्यान शिक्षण समस्या का समाधान करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं यहां और बताना चाहूंगा आपको, आप किसी भी विषय में, हिंदी में, गणित में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में, किसी विषय में टीचिंग करने जाएंगे तो टीचिंग के प्रोसेस में सबसे पहली चीज जो मिलती है, ये सबसे पहली चीज मिलती है वो है समस्या। अगर आपको कोई समस्या ना होती तो आप यहां बैठ के पेरेंट्स पास पढ़ने ना आते। इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी शिक्षक बनाता क्या है, उद्देश्य। जी हाँ, उद्देश्य बनाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कोई भी शिक्षक करता क्या है, शिक्षण करता। और शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में करता क्या है, मूल्यांकन। जी हाँ, और इस मूल्यांकन में ही हम किसी भी बच्चे का टेस्ट लेते हैं। जी हाँ, इस मूल्यांकन में ही हम किसी भी बच्चे का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने से ये पता हो जाता है शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाई है या नहीं। अगर शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई है तो ठीक है, लेकिन अगर शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो उनकी कमियों का, उनके दोषों का पता लगाया जाता है। इस शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में, जी हाँ, जब हम छात्र की समस्या का समाधान करना चाहते हैं उसमें विज्ञान का, तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं तो उसे ही शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। आपको सुपर टेट का, जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट का एक क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, ये उठा के देख लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन सुपर टेट में आया था, सुपर टेट में आया था, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम। आप सब देख सकते हैं इस प्रश्न को, आपके पास अनसॉल्व होगा, आप देख सकते हैं शैक्षिक तकनीकी, जी हां शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का, तृतीय का, सॉरी शैक्षिक तकनीकी तृतीय का, तृतीय का दूसरा नाम पूछा गया था। जी हां, यह प्रश्न था शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है। यह आपका सुपर टेट का क्वेश्चन था दोस्तों, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आपका सुपर टेट का था, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है। तो शैक्षिक तकनीकी तृतीय जो है उसका दूसरा नाम, तो यहां देखिए मैंने तकनीकी बताई, तकनीकी क्या है, समस्या का समाधान करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी का सहारा जब लिया जाता है। जैसे आपने बीएड किया होगा या बीटीसी किया होगा तो आपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक पेपर पढ़ा होगा, शैक्षिक तकनीकी पढ़ा होगा, ये उसका पार्ट है। अब यहां देखिए, यहां जो शैक्षिक तकनीकी की प्रक्रिया है, शैक्षिक तकनीकी की प्रक्रिया है, इस शैक्षिक तकनीकी की प्रक्रिया में हम और भी चीजें बताते हैं। तो यहां देखिए, ये अब आपका आ जाता है क्या, तकनीकी आ जाता है। जी हां, ये आपका गोले के अंतर्गत तकनीकी आ गया। तकनीकी जो होता है दोस्तों, तकनीकी जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। तकनीकी जो है आपका तीन प्रकार का है। तकनीकी में एक तकनीकी है आपकी क्या, हार्डवेयर। जी हां, एक तकनीकी है आपकी क्या, हार्डवेयर। दूसरी तकनीकी है यह है आपकी क्या, सॉफ्टवेयर। और तीसरी जो तकनीकी होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। जी हां, सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। ये तीन प्रकार की आपकी तकनीकी है, तकनीकी तीन प्रकार की होती है। इसको दोस्तों जानते हैं, दूसरे नाम से भी हम जानते हैं इसे, हार्डवेयर को हम बोलते हैं ET1। ET1 का मतलब होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, शैक्षिक तकनीकी 1। फिर सॉफ्टवेयर को जो बोलते हैं ET2 बोलते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी 2 बोलते हैं। और सिस्टम अप्रोच को ET3 बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी 3 बोलते हैं। अभी जो प्रश्न मैंने आपको लिखा था, जी हां अभी अभी जो मैंने आपको प्रश्न लिखा था, उस प्रश्न में पूछा गया था सुपर टेट का, आप देख सकते हैं सुपर टेट का प्रश्न था शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम। तो शैक्षिक तकनीकी 1 का दूसरा नाम हार्डवेयर, शैक्षिक तकनीकी 2 का दूसरा नाम सॉफ्टवेयर, और शैक्षिक तकनीकी 3 का तीसरा नाम सिस्टम अप्रोच। जी हां, इस सिस्टम अप्रोच को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हार्डवेयर को लिखते हैं कठोर उपागम। जी हां, हार्डवेयर को हम लिखते हैं कठोर उपागम, सॉफ्टवेयर को लिखते हैं मृदुल उपागम। जी हां, मृदुल उपागम। और सिस्टम अप्रोच को हम लिखते हैं प्रणाली उपागम। जी हां, सिस्टम अप्रोच को हम लिखते हैं क्या, प्रणाली उपागम। अब दोस्तों आप देख लीजिए, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम तो हिंदी में अगर देखेंगे तो प्रणाली उपागम, और अंग्रेजी में देखेंगे तो सिस्टम अप्रोच हो जाता है। सबको इतनी चीजें क्लियर हुई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है, तो देखिए, जब कभी भी जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जैसे इस डिजिटल बोर्ड को हम छू सकते हैं तो हार्डवेयर। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं।
जी हाँ, जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं वो सबके सब हार्डवेयर का पार्ट बनती हैं। जो सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जी हाँ, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे मेरी बातें आपको समझ में तो आ रही हैं लेकिन मेरी बातों को आप छू नहीं सकते, तो वो जो भाग बनेगा वो भाग बनेगा किसका, सॉफ्टवेयर का। तो कक्षा शिक्षण, जी हाँ, कक्षा शिक्षण जो है दोस्तों ये आपका भाग बनेगा किसका, सॉफ्टवेयर का। और सिस्टम अप्रोच, तो सिस्टम अप्रोच ET3 में होता क्या है, इनपुट, इनपुट के बाद होता है, इनपुट के बाद लोग बता देते हैं आउटपुट, गलत है, इनपुट के बाद आएगा प्रोसेस, प्रोसेस और प्रोसेस के बाद आपका आएगा क्या, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है, जब हम किसी बच्चे के अंदर कोई भी ज्ञान डालते हैं तो वो इनपुट होता है, बच्चा उसको पढ़ता है तो वो प्रोसेस होता है, उसके बाद जब एग्जाम देता है तो आउटपुट होता है। तो ये आपका शैक्षिक तकनीकी की प्रक्रिया का भाग हो जाता है। इसमें इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपका सॉफ्टवेयर या ET2 होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ET2 होता है। जो आपका ET2 है दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपका ET2 है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे के पूरे कंडीशंस में, ET2। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ET2। अब यहां देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ET2 का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। जी हाँ, ET2 का मतलब है हमारा क्या, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर भी जो हमारे होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। 69,000 की वैकेंसी जब आई थी तो ET2 का सॉफ्टवेयर का पार्ट पूछा गया था। इसके तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है टीचिंग, जी हां, दूसरा पार्ट होता है आपका इंस्ट्रक्शनल, दूसरा पार्ट होता है क्या, आपका इंस्ट्रक्शनल, और तीसरा पार्ट जो होता है आपका बिहेवियर। जी हां, तीसरा पार्ट जो होता है बिहेवियर। इसको जब हम हिंदी में लिखते हैं दोस्तों तो टीचिंग को हम बोलते हैं शिक्षण, जी हां शिक्षण, इंस्ट्रक्शनल। यही प्रश्न पूछा गया था आपका 69,000 में, अनुदेशन, आप देख सकते हैं अनुदेशन सहायक सामग्री को लेकर प्रश्न पूछा गया था 68,500 में। और मैं आपको बताऊं, CTT में प्रश्न पूछा जाता है किसी भी विषय के शिक्षण की प्रक्रिया में अनुदेशन सहायक सामग्रियों का प्रयोग कोई शिक्षक कैसे करता, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। और बिहेवियर जो होता है व्यवहार तकनीकी होती है। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर हो गया, इस सॉफ्टवेयर के ये तीन पार्ट हो गए। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, तकनीकी की, टेक्नोलॉजी की बात हो गई। जी हां, ये हम बात कर रहे थे तकनीकी की, टेक्नोलॉजी की हमारी बात होगी। इस टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया के अंतर्गत, जी हां, अब इस टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं तो CTT में या सुपर TET में इसके अगले भाग में आते हैं तो अवस्थाएं होती हैं। जी हां, इसके अगले भाग में आते हैं तो अवस्थाएं होती हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप शिक्षण करने जाएंगे तो शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले समस्या मिलेगी। क्या मिलेगी, समस्या मिलेगी। समस्या का समाधान करने के लिए हमें बनाना क्या पड़ेगा, उद्देश्य बनाना पड़ेगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षण करना पड़ेगा। शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में हमें क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन। इन सारे स्टेप्स को, जी हां दोस्तों, इन सारे स्टेप्स को हम अवस्थाओं में रखते हैं, अवस्थाओं में रखते हैं। जो हम अवस्थाओं में रखते हैं ना, तो अवस्थाओं में हमारे तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। जी हां, अवस्थाओं में भी शिक्षण की प्रक्रिया में तीन अवस्थाएं होती हैं। एक प्री स्टेज होता है, एक इंट्रैक्शन स्टेज होता है, अंतःक्रियात्मक पूर्वावस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था और पश्चावस्था। तीन अवस्थाएं होती हैं। पूर्वावस्था क्या है, कक्षा में आने से पहले, जी हां, कक्षा में आने से पहले कोई भी शिक्षक जो भी काम करता है वो सारे के सारे प्री स्टेज में आ जाते हैं। जैसे कक्षा में आने से पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा टॉपिक किस बच्चे को पढ़ाना है। टॉपिक का मतलब क्या होता है, समस्या। जी हां, कक्षा में आने से पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस टॉपिक को बच्चे को पढ़ाना है, तो टॉपिक डिसाइड कर लिया आपने। कक्षा में आने से पहले आपने उद्देश्य बना लिए कि मुझे किस बच्चे को कौन सी चीजें कैसे पढ़ानी है। तो जो आप समस्या का चुनाव करना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है समस्या को निर्धारित करना तो पूर्वावस्था, उद्देश्यों को निर्धारित करना तो पूर्वावस्था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सबको BED या BTC में एक चीज सिखाई गई है कि कभी भी, चाहे प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाने जाएं
चाहे माध्यमिक सेक्शन में पढ़ाने जाएं, चाहे हायर सेक्शन में पढ़ाने जाएं, किसी भी बच्चे को जब कभी भी आप पढ़ाने जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, किसी भी बच्चे को जब कभी भी आप पढ़ाने जाएंगे तो 100% सबसे पहले लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान भी हम कक्षा में आने से पहले ही बना लेते हैं। तो लेसन प्लान का निर्माण, जी हाँ, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लेसन प्लान का निर्माण, तो लेसन प्लान का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये सारी की सारी पूर्व अवस्था में, जी हां, ये सारी की सारी पूर्व अवस्था में आ गई। उसके बाद दूसरा है अंतः क्रियात्मक अवस्था। जब कभी भी कोई टीचर कक्षा के पहले तैयारी करता है तो पूर्व अवस्था, उसके बाद कक्षा के अंतर्गत आता है, कक्षा का अंतर्गत आता है तो सबसे पहले शिक्षक छात्र संपर्क या संबंध बनता है। जी हाँ, सबसे पहले शिक्षक छात्र संपर्क बनता है। कक्षा में आकर कोई भी शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है तो शिक्षक छात्र संपर्क बनना, कक्षा में प्रश्न पूछना, या कक्षा में ही आकर तो शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षण कार्य क्या कक्षा के पहले करते हैं क्या? ना, कक्षा के पहले नहीं करते, कक्षा के अंतर्गत करते हैं। और कक्षा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यहां देखिए, लेसन प्लान का निर्माण पूछा जाएगा तो वो शिक्षण की पूर्व अवस्था में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है लेसन प्लान का प्रयोग कहां करेंगे, तो याद रखिएगा लेसन प्लान का प्रयोग तो हम कक्षा के अंतर्गत करते हैं ना भैया, कहां करते हैं आप? बीएड और बीटीसी में आपने सीखा होगा कि लेसन प्लान का निर्माण तो हम कक्षा के पहले करते हैं, लेकिन लेसन प्लान का प्रयोग हम जो करते हैं वो कक्षा के अंतर्गत करते हैं। तो ये इंट्रैक्शन स्टेज हो जाती है कक्षा की अंतःक्रिया। और अंतिम में पढ़ाने के बाद, शिक्षण की प्रक्रिया के बाद, हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। जी हां, तथ्यों की आलोचना करते हैं, तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं। तो जो कार्य हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के बाद करते हैं, जी हाँ, जो काम हम बच्चे को पढ़ाने के, कक्षा में आने के पहले करते हैं पूर्वावस्था, जो काम कक्षा के अंतर्गत आते हैं अंतःक्रिया, और जो काम बाद में आते हैं वो पश्चावस्था। तो शिक्षण की प्रक्रिया में ये आपकी जो हो गई, ये हो गई आपकी क्या? अवस्थाएं। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें हो गई आपकी क्या? अवस्थाएं हो गई। दोस्तों, इतना सबको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई समस्या हुई होगी। जी हाँ, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो शिक्षण की अवस्थाओं के अंतर्गत अगला जो आता है ये शिक्षण का स्तर आता है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपका सीटीईटी में, चाहे हिंदी में पूछा जाए, चाहे अंग्रेजी में पूछा जाए, चाहे संस्कृत में पूछा जाए, चाहे किसी भी विषय में पूछा जाए, इससे एक क्वेश्चन 100% आपको सीटीईटी में मिलना तय है। और अगर आप सीटीईटी लेने जा रहे हैं ना, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, सीटीईटी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेशली आपको हर बार प्रश्न आएंगे। जैसे सीटीईटी में एक है आरटीई, जी हां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से हर बार प्रश्न पूछा जाएगा सीटीईटी में। सीटीईटी में एक टॉपिक है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये दोनों ही टॉपिक आपका हिंदी में, संस्कृत में, या मैथ में, या एनवायरमेंट में, अंग्रेजी में, सब में पूछा जाएगा, और साइकोलॉजी में तो पूछा जाएगा, स्पेशली सीटीईटी की हम बात करते हैं। सीटीईटी में एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भाषा विकास की प्रक्रिया। जी हां, सीटीईटी में एक प्रश्न पूछा जाता है भाषा विकास की प्रक्रिया। जी हां, सीटीईटी में भाषा विकास को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हां, भाषा विकास को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका सीटीईटी में मिलेगा आपको, प्रगतिशील शिक्षा। जी हां, ये टॉपिक आज आप उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सीटीईटी में, सामाजिकरण। ये पिछली बार भी दो क्वेश्चन आया था, सामाजिकरण की प्रक्रिया। दोस्तों, ये सारे के सारे टॉपिक, ये स्पेशली मैंने आपको सीटीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओकेजन से बताए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको सीटीईटी में मिलेंगे। ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, शिक्षण तकनीकी अवस्थाएं स्तरीय मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन ये जितने भी टॉपिक हैं आज जाके अगर आप चाहते हो, क्यों? क्योंकि आज तक सीटीईटी का रिजल्ट 10% से ज्यादा कभी नहीं आया। मतलब 100 में जानते हैं दोस्तों, 100 में 90 लोग फेल होंगे और केवल 10 लोग पास होते हैं। अब तय आपको करना है, संस्था आपको चुनना है, शिक्षक आपको चुनने हैं, भविष्य आपको बनाना है। तय ये कर लीजिए कि क्या 90 बच्चों में आपको रहना है कि 10 बच्चों में रहना है, क्योंकि आज तक का इतिहास है, 2011 से लेकर 2020 में आ गए हैं हम, इस 9-10 सालों में कभी भी सीटीईटी का रिजल्ट 10-11% से ज्यादा नहीं आया। तो क्या पूरे के पूरे भारत में ही लोग नहीं पढ़ते?
नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने उस स्तर तक पढ़ाई नहीं की कि 100 में 90 फेल हो जाते हैं, 10 ही पास हो जाते हैं। सही शिक्षक का, सही संस्था का, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, हम आगे जब हम बात करते हैं तो आगे चीजें देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं स्तर होता है शिक्षण की प्रक्रिया में जो स्तर होते हैं। देखिए अवस्थाओं को अभी मैंने आपको बताया था, तो अवस्थाओं को बगल बगल बताया था। जब हम अवस्थाओं को बगल बगल बताते हैं तो ये तीनों बराबर होते हैं, लेकिन जब मैं आपको स्तर बता रहा हूं ना तो स्तर ऐसे होते हैं। अब यहां देखिए, यहां पर एक दूसरे से ऊपर है, तो सबसे पहले नीचे मैंने लिखा स्मृति स्तर, जी हां स्मृति के बाद दूसरा मैंने लिखा अवबोध स्तर, अवबोध के बाद तीसरा मैंने लिखा चिंतन या विमर्शी स्तर। इनको इनको दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते, इधर भी मैंने तीन लाइन खींच दी, जी हां इधर मैंने लिख दिया प्राथमिक, प्राथमिक फिर मैंने लिख दिया माध्यमिक, माध्यमिक फिर मैंने लिख दिया उच्च, जी हां फिर मैंने लिख दिया उच्च। इसके बाद देखिए इधर भी मैंने तीन एक लाइन खींच दी, इधर भी एक लाइन खींच दी, इधर मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों शैशवावस्था, जी हां यहां मैंने लिख दी शैशवावस्था, यहां बीच वाले में मैंने लिख दी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है दोस्तों सबसे ऊपर लिखा है किशोरावस्था। ये देखिए समझाने की ट्रिक है, इसका मतलब शैशवावस्था में प्राथमिक स्तर पे हम स्मृति स्तर का प्रयोग करेंगे, जी हां बाल्यावस्था में माध्यमिक स्तर पर हम अवबोध स्तर का प्रयोग करेंगे, किशोरावस्था में उच्च स्तर पर हम चिंतन स्तर का प्रयोग करेंगे। देखिए एक चीज मैं सबको बता देता हूं, मैथ आपने कक्षा 5 से लेकर कम से कम इंटर तक, हाई स्कूल तक या बीए बीएससी या कंपटीशन लेवल में पढ़ा होता है। हिंदी आपने प्रारंभिक शिशु की कक्षा से लेकर, एक की कक्षा से लेकर इंटर हाई स्कूल तक पढ़ा होता है। संस्कृत आपने पढ़ा होता है, अंग्रेजी आपने पढ़ा होता है, हर विषय आपने पहले से पढ़े होते हैं, इन्वायरमेंट भी ज्योग्राफी और साइंस का पार्ट होता है वो आपने पढ़ा होता है, कहीं ना कहीं पढ़ा होता। लेकिन आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दीजिए, क्या आपने साइकोलॉजी कभी भी बीएड और बीटीसी से पहले पढ़ी या बीएड और बीटीसी के बाद में पढ़ी? आपको भी पता है आपने बीएड और बीटीसी कैसे किया है, मुझे भी पता है कि आपने बीएड और बीटीसी कैसे किया। अगर सही से, जी हां दोस्तों अगर हमने सही से बीएड और बीटीसी किया होता तो हमें आज कोचिंग की आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन अब अगर कोचिंग करने आए हैं तो चुनाव उसका कीजिए जो आपको उस स्तर तक चीजें बता पाए, समझा पाए, पढ़ा पाए, जिस स्तर तक आपको किसी भी विषय का ज्ञान हो। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो YouTube पे कूड़ा छाप वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, केवल प्रैक्टिस कराते हैं, केवल प्रैक्टिस कराते हैं, केवल अगर केवल प्रैक्टिस कराना था यार तो किताब से, मार्केट से किताब लेकर खरीद लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते। लेकिन जब कंटेंट ही नहीं पता है तो आप प्रैक्टिस कराने का फायदा क्या निकलेगा? कंटेंट भी तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, कंटेंट भी पता होना चाहिए, तब तो शिक्षण की प्रक्रिया में ये अवस्थाएं होगी। अब अवस्थाओं के बाद, जी हां अवस्थाओं के बाद जब हम अगले गोले पर आते हैं, जी हां अवस्थाओं के बाद हम अगले गोले पर आते हैं, तो इसमें जो आता है दोस्तों अगला जो होता है व्यूह रचना, जी हां अगला जो होता है यह आपका व्यूह रचना है। व्यूह रचना क्या है? जिसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं, जी हां जिसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करके भी जल्दी सफलता अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि उनको मार्गदर्शन अच्छा मिलता है, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सफलता अर्जित नहीं होती, क्योंकि उनको मार्गदर्शन और स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती। व्यूह रचना का मतलब ही होता है स्ट्रेटजी। ये जो व्यूह रचना है ना दोस्तों आपका, इस व्यूह रचना में कई चीजें आती हैं, जैसे शिक्षण विधियां आती हैं, शिक्षण प्रविधियां आती हैं, शिक्षण सूत्र आते हैं, शिक्षण सिद्धांत आते हैं, शिक्षण कौशल आते हैं। ये ढेर सारी चीजें इस व्यूह रचना में आती हैं। हमें किन विधियों का, किन प्रविधियों का, किन तथ्यों का, किन विषय वस्तुओं का कैसे से कैसे करके अच्छा से अच्छा प्रयोग करना है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातें हर बच्चे को आसानी से बता पाएं, समझा पाएं, सिखा पाएं, कला सारा काम कर पाएं।
इसमें देखिए अगर आप सुपर टेट देने जा रहे हैं तो सुपर टेट में आपको जो शिक्षण कौशल पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके दो दो क्वेश्चन 69,000 में और दो क्वेश्चन आपका 69,000 के बाद 68,000 में दोनों बार पूछा गया, दो दो क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ, दो के दोनों बार प्रश्न पूछा गया। शिक्षण कौशल की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको याद होगा सबसे पहला कौशल आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना कौशल पढ़ा। जी हाँ, सबसे पहला कौशल आपने पढ़ा है प्रस्तावना कौशल। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया, सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया कि किसी भी छात्र को पूर्व ज्ञान के लिए किस कौशल का प्रयोग कराया जाता है। तो देखिए 3 से 4 मिनट में 3 से 4 अलग अलग बच्चों से 3 से 4 अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न से संबंधित होता है, और तीसरा प्रश्न जो होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है जिसके आधार पर शैक्षणिक प्रक्रिया का संचालन होता है, और उसी के आधार पर हम बच्चे को बताते हैं आज हम इस टॉपिक पर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो पूर्व ज्ञान के लिए प्रस्तावना कौशल होता है। दूसरा कौशल इसके बाद इसमें जो होता है वो होता है आपका क्या, उद्देश्य कथन कौशल। जी हाँ, दूसरा कौशल जो होता है ये होता है आपका क्या, उद्देश्य कथन कौशल होता है। उद्देश्य कथन कौशल क्या है, शैक्षणिक प्रक्रिया में जब कभी भी हम किसी भी विषय को बच्चे को बताते हैं, जी हाँ, तो किसी भी विषय के दो उद्देश्य होते हैं। एक जब हम विषय को बताते हैं, जैसे मैं इतिहास विषय को पढ़ा रहा हूं तो वो उसका सामान्य उद्देश्य हो गया, उसी इतिहास विषय में अगर मैं स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा हूं तो वही उसका विशिष्ट उद्देश्य हो गया, तो वो उद्देश्य कथन कौशल हो गया। तीसरा जो होता है दोस्तों ये हमारा दृष्टांत कौशल होता है। दृष्टांत कौशल का मतलब होता है बच्चे को उदाहरण देंगे, लेकिन उदाहरण में भी एक चीज याद रखेंगे, उदाहरण में भी आप ऐसे उदाहरण देंगे जो बच्चों के व्यावहारिक जीवन से संबंधित हो, और बच्चों के व्यावहारिक जीवन से संबंधित होने के साथ साथ उनकी समझ स्तर का विस्तार करें, समझ स्तर का विस्तार करने की प्रक्रिया को संचालित करें, तो उनकी समझ को बढ़ाए जो उनके लेवल पर दृष्टांत हो। तो रटे रटाए किताबी उदाहरणों का प्रयोग ना करके व्यावहारिक उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तो दृष्टांत कौशल होता है। अगला जो होता है प्रश्नोत्तर कौशल होता है। प्रश्नोत्तर कौशल का मतलब होता है किसी भी छात्र को उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित करने का मतलब यह नहीं होता कि आप लड़ाई करेंगे, उत्तेजित करने का मतलब होता है छात्र को मोटिवेट करते हैं जिससे वो प्रश्नों का उत्तर दे सके, और उसके उत्तरों के आधार पर उस छात्र का मूल्यांकन किया जाता है, उसकी कमियों और दोषों को दूर किया जाता है, जिससे शैक्षणिक प्रक्रिया डे पर डे और अच्छी और बेहतरीन हो जाती है, तो प्रश्नोत्तर कौशल होता है। पांचवा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप नोट कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उद्दीपक परिवर्तन कौशल, उद्दीपक का मतलब जिस चीज को देखकर हम सीखते हैं वो उद्दीपक है, परिवर्तन का मतलब उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, बदल दिया जाना चाहिए। तो उद्दीपक परिवर्तन कौशल की प्रक्रिया का मतलब होता है जो भी चीजें आप कक्षा में देख के पढ़ रहे हो उसको बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन याद रखना, इसका यह मतलब नहीं होता कि आप टीचर को ही बदल दें। आपको अगर जैसे आपको क्या खाने में क्या पसंद है, आलू का पराठा, खीर, नॉनवेज या जो भी पसंद हो, अगर आपको आलू का पराठा बहुत पसंद है, सुबह शाम दोनों मीटिंग मैं आपको आलू का पराठा खिलाऊंगा ना, आप बोर हो जाएंगे। उसी प्रकार से टीचिंग होती है, शिक्षण होता है। कोई भी टीचर चाहे जितना अच्छा पढ़ाता हो, चाहे जितना प्रभावशाली पढ़ाता हो, वो टीचर अगर रोज एक ही तरीके से आएगा पढ़ाएगा जाएगा, निश्चित तौर से उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी और कक्षा में बोरियत आ जाएगी। तो कक्षा में बोरियत को ना आने देने के लिए, बोरियत से बचाने के लिए हम रोज नए नए तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं। एक दिन आया बच्चों से लिखा दिया, एक दिन प्रश्न पूछ लिया, एक दिन कहानी सुना दिया, एक दिन कोई भी ड्रामा कर लिया, मतलब पढ़ाने के तरीकों में बदलाव किया जाना चाहिए। उद्दीपक परिवर्तन कौशल हो गया। फिर इसी में आपका फिर एक हो गया श्यामपट्ट कौशल। आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे एक साल बीत जाते हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे एक साल बीत जाते हैं, टोटल टीचर आता है, पढ़ाता चला जाता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं करता। लेकिन कक्षा में ब्लैक बोर्ड का यूज करना भी अपनी सबसे बड़ी कला है, और ब्लैक बोर्ड का यूज करना सबके बस की बात नहीं होती।
मुझे तो लगता है कि मैं तो इस कौशल में बहुत माहिर हूं कि मैं अपनी बातें आपको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग तो कर लेता हूं। तो वह कौशल श्यामपट्ट कौशल। फिर अगला अगला जो है पुनर्बलन कौशल। जी हाँ, अगला जो है वो है आपका पुनर्बलन कौशल। मैंने कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जो आपका शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये पुनर्बलन है। इस शैक्षणिक प्रक्रिया में इसको हम और अधिक बताते हैं। तो दोस्तों, ये शिक्षण कौशल होता है, ये स्पेशली सुपर टेट में भी आता है, लेकिन जब आप CTT देने जाएंगे तो CTT में हिंदी में, हिंदी के बाद गणित में, इन्वायरमेंट में और विषयों में पैडागॉजी के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो शायद आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी जो शिक्षण कौशल की बात है। अब देखिए, शिक्षण कौशल के बाद दोस्तों, जी हां, शिक्षण कौशल के बाद हम इसमें जब बात करते हैं तो शिक्षण कौशल के बाद अगली बात आती है। जी हां, शिक्षण कौशल के बाद हम आगे की व्याख्या करते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग होता है। जी हाँ, माइक्रो टीचिंग का पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखना, अगर ये प्रश्न आए तो इसका एकमात्र आंसर होता है शिक्षण कौशलों के विकास के लिए। इसका एकमात्र आंसर होता है शिक्षण कौशलों के विकास के लिए। देखिए, शिक्षण कौशलों की प्रक्रिया में शिक्षण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म शिक्षण होता है जिसे हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण होता है जिसे माइक्रो टीचिंग, और जिसे आप फाइनल टीचिंग कहते हैं वो सिमुलेटेड टीचिंग होता है, वास्तविक शिक्षण होता है। जी हाँ, सूक्ष्म शिक्षण और वास्तविक शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? जिसमें छात्र संख्या कम हो। जी हाँ, कम छात्र संख्या का मतलब होता है 5 से 10 बच्चों का जहां ग्रुप बनाया जाता है। और वास्तविक शिक्षण का मतलब होता है जहां छात्र संख्या अधिक हो, क्योंकि यहां पर कक्षा में छात्र संख्या ज्यादा होती है। जी हाँ, यहां पर कक्षा में छात्र संख्या ज्यादा होती है। तो माइक्रो टीचिंग में केवल 5 से 10 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, जबकि सिमुलेटेड टीचिंग जो होती है उसमें छात्र संख्या अधिक होती है। माइक्रो टीचिंग में जहां समय कम हो, जी हाँ, 5 से 10 मिनट का हमारा यहाँ स्टेप फॉलो होता है, इसीलिए माइक्रो टीचिंग, पिछली बार आप UPT टीम देखेंगे तो माइक्रो टीचिंग का समय पूछा गया था। और दोस्तों, फिर मैं बता दूं, KVS, DSSB, DSSB में भी ये प्रश्न टीचिंग में पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो समय जो होता है इसको बदलाव किया जाता है, 5 से 10 मिनट का समय होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां अकेले केवल एक कौशल का, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केवल और केवल एक कौशलों का प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल एक कौशलों का, जहां पर लेसन प्लान जो होता है, जहां पर लेसन प्लान जो होता है वो छोटा होता है। जी हाँ, लेसन प्लान छोटा हो तो जिसमें इतनी विशेषताएं पाई जाती है वो माइक्रो टीचिंग होता है। लेकिन इसका अपोजिट जब हम कर दें, जी हाँ, इसका अपोजिट कर दें, छात्र संख्या कम है तो यहां देखिए छात्र संख्या एक कक्षा है, जैसे नॉर्मल कक्षा में हम पढ़ाते हैं 25, 50, 100 बच्चे होते हैं तो छात्र संख्या अधिक होती, यहां 5 से 10 मिनट का समय लगता है, यहां समय भी जो लगता है ना, एक कक्षा नॉर्मल 35 मिनट 40 मिनट होती है तो समय भी जो लगता है वो क्या लगता है, अधिक लगता है। यहां केवल एक कौशल, माइक्रो टीचिंग में केवल एक कौशल का, लेकिन सिमुलेटेड टीचिंग में एक साथ अनेक कौशलों का, जी हाँ, सिमुलेटेड टीचिंग में एक साथ अनेक कौशलों का प्रयोग होता है। यहां माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान जो होता है छोटा होता है, लेकिन सिमुलेटेड टीचिंग में जो लेसन प्लान होता है ना दोस्तों, लेसन प्लान आपका बड़ा होता है। जी हाँ, लेसन प्लान बड़ा होता है। तो ये आपके माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस के अंतर्गत हम कोई भी कार्य करते हैं, माइक्रो टीचिंग की प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, माइक्रो टीचिंग को लेकर हम काम करते हैं। तो ये आपकी शिक्षण की प्रक्रिया होती है, शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये सारी चीजें करते हैं। अब देखिए, अब मैं कुछ चीजें आपको स्पेशली CTET के बारे में अभी बता रहा था। जी हाँ, वो चीजें केवल और केवल आपका CTET में आएंगे। जी हाँ, केवल और केवल CTET में आएंगे। जब हम केवल CTET की बात करते हैं तो CTET में जो चीजें हम बात करते हैं, एक चीज आती है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भाषा विकास। जी हाँ, ये आप देखना CTET में, क्योंकि भाषा जो होती है हिंदी होती है, भाषा जो होती है संस्कृत होती है, भाषा जो होती है अंग्रेजी होती है, तो भाषा विकास की प्रक्रिया होती है। भाषा विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले भाषा विकास की प्रक्रिया में सुनना आता है। जी हाँ, भाषा विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आएगा, सुनना आएगा। सुनने के बाद फिर आपका क्या आएगा, बोलना आएगा। बोलने के बाद फिर आपका क्या आएगा,
पढ़ना आएगा, पढ़ने के बाद फिर आपका क्या आएगा, लिखना आएगा। जी हाँ, सीटीटी में बहुत पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस क्रम बनाने को आता है। तो सुनना, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना, इनको हम, जी हाँ दोस्तों, इनको हम दो प्रकार के कौशलों में बांट देते हैं, इनको हम दो प्रकार के कौशलों में बांटते हैं। एक होता है ग्रहण कौशल और दूसरा जो होता है वो होता है अभिव्यक्ति कौशल। जी होता, एक होता है ग्रहण कौशल, एक होता है अभिव्यक्ति कौशल। ग्रहण कौशल क्या होता है, भाषा विकास की प्रक्रिया में जो हमें दूसरों के माध्यम से मिलता है, जी हाँ, भाषा विकास की प्रक्रिया में जो चीजें हमें दूसरों के द्वारा मिलती, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए मैं दूसरा हूं, मैं दूसरा व्यक्ति हूं, तो आप ग्रहण कर रहे हैं। तो सुनना जो होता है, सुनने में दूसरा व्यक्ति बोलता है और हम ग्रहण करते हैं, तो सुनने की जो प्रक्रिया होती है ये ग्रहण कौशल में आता है, सुनने की जो प्रक्रिया ग्रहण कौशल में आती है। फिर बोलना, बोलने में आप बोलते हैं और दूसरा सुनता है, तो बोलने में आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो बोलने की जो प्रक्रिया होती है वो अभिव्यक्ति कौशल में आता। फिर पढ़ना, अगर आप किताबों को पढ़ रहे हैं, जी हाँ, अगर आप किताबों को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की प्रक्रिया में आप किताबों से ग्रहण कर रहे हैं, तो पढ़ना जो होती है वो ग्रहण कौशल होता है। और लिखना, लिख करके अपनी चिट्ठी के माध्यम से दूसरों को अपनी बातें बताई जाती है, अभिव्यक्ति कौशल। तो लिखना जो होता है वो अभिव्यक्ति कौशल। तो सुनना और पढ़ना ग्रहण कौशल में आ जाता है, बोलना और लिखना अभिव्यक्ति कौशल में आ जाता है। ये सीटीटी में बहुत पूछा जाता है, याद रखना, अगर नहीं पढ़ा तो सीटीटी फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और सुपर टेट में भी ये प्रश्न पूछा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 100% आपको दिक्कतें होंगी। हमारे यहां सीटीटी और सुपर टीटी दोनों के अलग अलग बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फीसें बहुत कम कर दी गई हैं। अगर आप बहुत कम फीसों में हमारे शिक्षकों के माध्यम से, हमारे आहार विषय के अलग अलग टीचर हैं, हमारे सलोरी ब्रांच में, झूसी ब्रांच में, शांतिपुरम ब्रांच में, मेन ब्रांच में, बालसन में, या ऑनलाइन किसी भी ब्रांच में आप पढ़ेंगे, आपको सारे टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये भाषा विकास की प्रक्रिया हो गई। अब देखिए, भाषा विकास की प्रक्रिया में इसके बाद दोस्तों, इसके बाद भाषा विकास की प्रक्रिया में जानते क्या था, भाषा विकास की प्रक्रिया में चार प्रक्रम है। स्वनिम, जी हां, ये बहुत पूछा गया है मेरे भाई, बहुत बहुत पूछा गया है स्वनिम। स्वनिम के बाद दूसरा जो होता है वो रूपिम, रूपिम के बाद तीसरा जो होता है वो वाक्य विन्यास, जी हां वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास के बाद चौथा जो पूछा गया है ये आपका अर्थ विन्यास, जी हाँ, ये आपका अर्थ विन्यास पूछा गया। तो ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ये सारी की सारी चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास की प्रक्रिया भाषा विकास के पक्षों में आती है। ये सीटीईटी में और सुपर टीटी में दोनों में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद एक कंटेंट मैं आपको और बता दूं अभी कि जो सीटीईटी में बहुत पूछा जाता है, जी हाँ, जो सीटीईटी में बहुत पूछा जाता है, आप उठा के आज देख लेना मेरी बात को। देखो, टीचर को कहोगे यार मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तो मैं तो बोलूंगा ही ना, आप खुद उठा के अनसॉल्व देखना, मेरे कहने से यकीन मत मानना। एक कंटेंट आपको मिलता है प्रगतिशील शिक्षा, जी हां, एक कंटेंट आपको मिलता है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक, प्रगतिशील शिक्षा की प्रक्रिया होती है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है दोस्त, प्रगतिशील शिक्षा होती है, पहले मैं यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, यहां पहुंच गया, धीरे 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 शिक्षा के माध्यम से मैंने क्या कर ली, प्रगति कर ली। बिल्कुल सही बात है, धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से मैंने प्रगति कर ली, लेकिन क्या केवल इतनी ही प्रगतिशील शिक्षा है? तो याद रखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा का प्रश्न बहुत पूछा जाता है और इसमें भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपको सीटीटी और सुपर टीटी में पूछे जाते हैं। एक चीज मैं यही और आपको बताना चाहूंगा, स्पेशली सीटीटी में, जी हां दोस्तों, स्पेशली सीटीटी में आपने पढ़ा होगा, सीटीटी में उठा के देखना, एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया सीटीटी में, बता रहा हूं, अंगूर खट्टे हैं, जी हां, सीटीटी में यह पूछा गया, अंगूर खट्टे हैं, ये उदाहरण। तो याद रखना, ये आपका रेशनलाइजेशन है, यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया है,
जी हाँ, ये आपके किसकी प्रक्रिया है? यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया है, जो सीटीटी में कई बार आपसे पूछी गई है। यौक्तिकीकरण रेशनलाइजेशन क्या होता? तो आप सबने एक चीज पढ़ रहा होगा, एक चीज पढ़ा होगा, मनोविश्लेषणवाद पढ़ा होगा, मनोविश्लेषणवाद पढ़ा होगा सिगमंड फ्रायड का। जी हाँ, मनोविश्लेषणवाद पढ़ा होगा सिगमंड फ्रायड का पढ़ा होगा। अब मनोविश्लेषण का जब संधि विच्छेद करेंगे, मन धन विश्लेषण, जी हाँ, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे मन धन विश्लेषण। अब दोस्तों, आप किसी भी टीचर से पूछोगे तो लोग कहेंगे मन, मन का मतलब शरीर के अंदर जो है वो मन है। मैं कहता हूं वो शरीर के अंदर वाला मन ये नहीं होता, लोग गलत बताते हैं। और आप कूड़ा छाप वीडियो से पढ़ोगे, कूड़ा छाप लोगों से पढ़ोगे, तभी आपको क्या होगा, मन का मतलब मन बता देंगे। और इसीलिए आज तक सीटीईटी का जो रिजल्ट आया है वो 10% आया। मन जो होता है ये अंग्रेजी के साइकी शब्द से बना। साइकी जो शब्द है उसका लैटिन भाषा में जो मतलब होता है दोस्तों, उसका लैटिन भाषा में मतलब होता है मन, लेकिन हिंदी में जो होता है वो व्यक्तित्व होता है। तो ये मन का विश्लेषण ना हो करके व्यक्तित्व का विश्लेषण है, इसीलिए सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी मिलती है वो व्यक्तित्व के विश्लेषण की प्रक्रिया में, आप कभी भी देखोगे व्यक्तित्व के विश्लेषण की प्रक्रिया मिलती है इसमें दोस्तों। इसमें जो सिगमंड फ्रायड ने, जी हां, सिगमंड फ्रायड ने जो भी चीजें बताई हैं उसमें आपने देखा होगा, सिगमंड फ्रायड ने जो भी चीजें बताई हैं उसमें तीन चेतना के तीन स्तर, चेतना के तीन स्तर में सबसे नीचे है अचेतन, अचेतन के बाद दूसरा जो है ये है आपका अर्धचेतन, और अर्धचेतन के बाद तीसरा जो है चेतन। ये तीनों चेतना के तीन स्तर हैं। सबसे पहला यही प्रश्न है, चेतना के तीन स्तरों में चेतना क्या है, अचेतन क्या है, अचेतन क्या है? तो लोग कहते हैं अचेतन का मतलब जो व्यक्ति मर जाए वो अचेतन। फिर अर्धचेतन क्या है? तो अर्धचेतन लोग कहते हैं, जानते क्या कहते हैं, जो बेहोश हो जाए वो अर्धचेतन, और जो हम आप आमने सामने ही चेतन। दोस्तों अगर ये चेतना का तीन स्तर है तो अचेतन में, अचेतन चेतना का तीन स्तर है, तो क्या चेतना में कोई व्यक्ति मर जाता है? क्या मर जाता है? नहीं मरता ना। जब चेतना में मरता नहीं तो अचेतन में मरा कैसे हो गया? तो ये गलत होता है। जी हाँ, गलत होता है। अर्धचेतन में बेहोशी की कोई अवस्था नहीं होती। तो दोस्तों मैंने ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताई, समझाई, सिखाई। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सफलता सीटीटी में, अगर आप चाहते हैं आप अपनी सफलता, या एक चीज यहां मैं और आपको बता दूं, इसमें देखो त्रिभुज है। जी हाँ, इसमें त्रिभुज है। इसी तरीके से गहने का अधिगम सोपान की जो खूब पूछा जाता है, जी हाँ, गहने का अधिगम सोपान की क्रम सिद्धांत है जो सुपर टेट में खूब पूछा जाता है, सुपर टेट में खूब पूछा जाता है गहने का अधिगम सोपान की क्रम सिद्धांत। जी हाँ, आप दोनों बार का सुपर टेट का एग्जाम देखेंगे तब भी पूछा जाता है। इसमें आठ, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये आठ स्टेप पूछे गए। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी नीचे का हिस्सा ज्यादा चौड़ा है, ऊपर का हिस्सा कम चौड़ा है। इसमें भी गहने का, ये गहने का अधिगम सोपान की क्रम सिद्धांत है जो सुपर टेट में दोनों बार पूछा गया। नीचे का हिस्सा ज्यादा चौड़ा है, ऊपर का हिस्सा कम चौड़ा है। क्या ये साइकोलॉजिस्ट बेवकूफ थे? बेवकूफ थे जो इन्होंने इसको ऐसे बनाया? ये चाहते तो सीधे सीधे ऐसे डिब्बा बना देते ना, बराबर हो जाता ऊपर नीचे, लेकिन बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब है। अगर इन चीजों को आप नहीं समझेंगे ना दोस्त, तो याद रखिएगा बार बार सीटीईटी का एग्जाम देंगे, उसमें पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, और 90% लोग तभी फेल होते हैं, 10% तभी पास होते हैं। सुपर टेट एक ऐसा एग्जाम जो आपके भविष्य में आपको नौकरी देके जाना चाहता है। क्या आप सुपर टेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए ऐसे शिक्षक, ऐसे इंस्टीट्यूट की सहायता लेना चाहते हैं जो खुद साइकोलॉजी के नहीं है, जिसने इंग्लिश पढ़ के पढ़ा रहा हो, जो जो हिंदी पढ़ के पढ़ा रहे हो, जो फिलॉसफी पढ़ के पढ़ा रहे हो, जो पॉलिटिक्स पढ़ के पढ़ा रहे हो? अगर आप चाहते हैं कि आप शिक्षक बनना, और आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो, तो तुरंत उठाइए मोबाइल, और अपने मोबाइल पे आपको करना कुछ नहीं है, अपने मोबाइल पर केवल एक नंबर सेव करना है, 9451216656। सबसे पहले इस मोबाइल के नंबर को अपने मोबाइल पे सेव करना है।
सेव करने के बाद तुरंत बिना एक मिनट के देर लगाते हुए आपको लिखना है व्हाट्सएप सीटीईटी या सुपर टीईटी एंट्री। जी हां, चाहे आप लिखना है सीटीईटी करना चाहते हैं तो सीटीईटी, और सुपर टेट का आप तैयारी करना चाहते हैं तो सुपर टेट की तैयारी, आपको तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और हमारे यहां फीस बहुत कम कर दी गई है होली के ऑफर में। अगर आप जुड़ करके अपनी सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि हम कल करेंगे, क्यों कि कल करेंगे ना तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर आपको भी लगेगा यार काश कर लिया होता तो ऐसा होता। अगला यूपी टॉपर आप हैं, अगला सीटीईटी टॉपर आप हैं, खुद को पहचानिए, जानिए, तुरंत व्हाट्सएप करिए। मैं रोहित सर आपका अपना पार्थ एजुकेशन चैनल पे इसी तरह आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।